गाइस कैसे हो आप सब। आपका फिर एक बार स्वागत है स्टीवन फूड के जंगल ब्लॉगर में। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मटन कोरमा अपने स्टाइल में और अपनी सिस्टर के साथ। तो आप प्लीज़ रेसिपी देखते रहना और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मैं आपको आगे की वीडियो क्लिक। गाइस इस वक्त हमने सारे इंग्रीडियंट्स ले लिए हैं तो मेरी सिस्टर डालेगी अभी। आप देखो, हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से मटन कोरमा। तो आप अनियंस और चिली को डाल दो और इसको फ्राई होने दो जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत इजी रेसिपी है, कोरमा बहुत मुश्किल तरीके से बनता है और बहुत इजी तरीके से ही बनता है। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि हमने मटन को थोड़ा ऑलरेडी मैरिनेट कर रखा है। किस चीज़ में मैरिनेट कर रखा है? इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, okay. थोड़ा सा गरम मसाला एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये रेसिपी को जब आप फॉलो करोगे तो आप थोड़ा इसमें लेसी डालना क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर चुके हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी जब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, ये शान का कोरमा मसाला है, दी बेस्ट मसाला है एंड आई लव दिस एंड मैं अपने हर रेसिपी में इसको फॉलो करती हूँ। तो ये अगर आपके पास सिर्फ ये है और ये सारी इंग्रेडिएंट्स है आपका कोरमा, इट वॉज बी वेरी नाइस। एक बार ट्राई करके देखना मेरे कहने पे, ये अच्छा बनने वाला। सिर्फ इसके अंदर हर चीज़ है। ओके, आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़े हल्के ब्राउन होने लगे हैं तो हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये थोड़ा बिटर टेस्ट करते हैं, सिर्फ इनका थोड़ा सा सॉफ्ट लाइक कलर आ जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन, मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन, मैं गोल्डन ब्राउन नहीं कहूँगी, हल्का पिंकिश आ जाए। ओके, थोड़ा सा और। तो हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे और अपना मटन ऐड करेंगे। ओके, फन गाइस, एक और टिप है, जैसे आप जल्दी में हैं और आपके अनियंस आपको पता होगा कभी कभार बहुत टाइम लेते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ओके, तो ये नमक मतलब क्या चीज का काम करेगा? ये इसको इसका जो मॉइस्ट है वो हटाएगा, इसे जल्दी से कुक करेगा, कुक फटाफट, मतलब इसको जल्दी से कैरमल करेगा फटाफट। ओके गाइस, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी जल्दी ये ब्राउन हो रहे, जिसे सॉल्ट डालते साथ ही बड़ा लवली कलर। इसका प्याज का हमेशा ना कलर, अगर आपने जरा सा भी इसको ब्राउन कर दिया तो ना अलग टेस्ट आ जाता है, आपको थोड़ा सा ये मीठा लगने लगेगा। इसलिए हमेशा आप लोग क्वांटिटी का ध्यान रखिए प्याज का। मैंने 4 प्याज लिए हैं, हम 1 किलो मटन बना रहे हैं, तो हमेशा याद रखना 1 किलो मटन पे 4 प्याज होते हैं मीडियम साइज़ के और 3 टमाटर और आई थिंक 1/4 टीस्पून आपको योगर्ट चाहिए। okay. तो ये बैलेंस बिल्कुल सही रहता, ना आपका कोरमा ज़्यादा खट्टा बनेगा और ना ही आपको ये थोड़ा सा अच्छी, मतलब हमें अपना कोरमा ज़्यादा लिक्विडी नहीं, लाइक सेमी लिक्विड पसंद है। तो ये बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट है। गाइज, आप देख सकते हैं हमने जैसे ही इसमें सॉल्ट डाला इसका कलर कितना अच्छा आ गया एंड आई एग्जैक्टली वॉन्ट दिस कलर, ज़्यादा ब्राउन नहीं। अब हम फटाफट से इसमें 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं। ओके, अगर आप फ्रेश करके डालेंगे तो बहुत अच्छी है। आपको पता है गाइस गर्मी बहुत है दिल्ली में, इसलिए हम थोड़ा झटपट वाला काम कर रहे हैं, किचन में गर्मी बहुत होती है। तो इसको एक सेकेंड के लिए कि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए, आप देख सकते हो थोड़ा सा। गाइस, ये हमारा मटन रेडी है यहाँ पे। okay. इसको हमने ऑलरेडी, मैंने आपको जैसे बताया, हमने ऑलरेडी मटन को मैरिनेट कर सकता है, आप देख okay. सकते हैं। तो अब इसको आप डाल दीजिए और मैरिनेट करने का एक मकसद ये होता है कि जो हमारा जो मीट होता है उसमें ना नमक नहीं लगता है कभी कभार, तो हम इसलिए इसको मैरिनेट करते हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर्ड आ जाए इसमें। इसको हम थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैरिनेशन करते हैं इसको। और आप देख सकते हैं
जाएगी। अभी अच्छा इसको भूनना है। जब भी हम मटन बनाते हैं, हम चिकन बनाते हैं, मेन होता है कि इसकी जो प्याज की, टमाटर की जो कच्चापन है वो अच्छे से निकलना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नमक डाल रखा है। तो अगर आपने जल्दी है, आपको मैरिनेट का टाइम नहीं है, तो इस पॉइंट पे आप नमक डाल सकते हैं 1 टीस्पून। चेक करके डालना हमेशा कि आप बाद में और भी डाल सकते हैं। और आप जानते हैं गाइस, आपको ऑयल दिख रहा होगा, अगर हम कोरमा बना रहे हैं और उसमें ऑयल ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है। क्योंकि कोरमा हम कभी कभार खाते हैं, ऐसे रोज नहीं खाते, तो हम एक दिन कर सकते हैं थोड़ा सा। A few moments later, guys, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होने लगा है। ये जो जूस है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोरमा के लिए। ऐसे जूस आना चाहिए, मीट का अपना जो पानी होता है ये बहुत फ्लेवरफुल होता है, लाइक इट्स अ स्टॉक, जो स्टॉक कहते हैं। तो ये बहुत फ्लेवर करेगा मीट को, टेंडर करेगा। बस इसे हमें थोड़ा और भूनना है। फ्लेम अपनी तेज ही रखिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ये भुनने में ही मसाला, मतलब मटन इतना ज़्यादा कुक्ड हो जाए, हम नहीं चाहते। तो हम इसे थोड़ा फ्लेम तेज ही रखेंगे, मतलब थोड़ा टेंडर रहे, मतलब हाँ ये टेंडर रहे और जो हमें जैसा कलर चाहिए वो फटाफट आ जाए। ओके गाइस, अब हम अपने चॉप टमाटर डालने वाले हैं इसमें क्योंकि हमें मीट के साथ साथ ये सब कुछ पकना है, गलना है। तो अब हमने ये चॉप टमाटर डाल दिए इसमें। अब ये शान का मसाला ले लेना। मेरा एक ट्रिक है, सबका अपना अपना एक ट्रिक्स होता होगा खाना बनाने समय। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी योगर्ट लेके, जो मैंने आपको बताया 4-5 चम्मच है, इसमें आप ये पूरा शान का मसाला। शान के मसाले की ये खासियत है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ऑलरेडी खड़े मसाले होते हैं, तो वी डोंट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा खड़ा मसाला। और शायद जितनी लेडीज यहाँ देख रही होंगी जो मैरिड है और जो जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके पास अपनी एक ट्रिक्स रेसिपीज होती है। तो ये मेरा ट्रिक्स रेसिपी है, जो कोरमा की रेसिपी है, तो मैं बहुत झटपट बना देती हूँ इसको। आज वीडियो शूट कर रहे हैं तो शायद और थोड़ा स्लो चल रहा है। डेफिनेटली, तो मैं झटपट ये रेसिपी बनाती हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर लीजिएगा। ओके। और जब तक आपका टमाटर थोड़ा सा अपना टाइम ले रहा है, गाइस आप देख सकते हो जैसे कि अभी इस वक्त टमाटर डाला है, व्हाट अ लवली कलर, टमाटो एंड अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट का काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो अभी ये मसाला भी जाएगा योगर्ट के साथ, व्हाट अ लवली कलर। जो आपका ये देख सकते हैं ये मसाला है, इट्स ऑल रेडी। और ये 1 किलो पे आप 1 पैकेट डाल सकते हैं। जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं वो थोड़ा कम डाल सकते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा स्पाइसी बनता है, एंड वी लव स्पाइसेस, एंड वी लाइक लव स्पाइसी। तो हमने ये पूरा डाला है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो आप इसी में मिक्स कर रहे हो, मतलब जो भी सारा मसाला जूस, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से इसे यूज कर लेते हैं। नाइसली इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें जो कलर है, आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी टेस्टी बनता है ये, आप देख सकते हो। अभी 5 मिनट्स के बाद मैं आपको उसका कलर दिखाऊंगी कि कितना अच्छा कलर आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा लिक्विड आ चुका है, लाइक चिकन का पानी है इसमें, टमाटो, दही ने अपना ऑलमोस्ट सारा वाटर छोड़ दिया है। सॉरी, चिकन का नहीं, मटन का। ओह आई एम सॉरी। तो हो जाती है ना गलती कभी कभार।
तो आप देख सकते हो। तो हमें इसे थोड़ा सा पानी को कम करना है और क्योंकि हम ये सेमी ग्रेवी बना रहे हैं तो अभी इसमें सीटी भी लगेगी, तो हमें इसको थोड़ा सा और भूनना है। मटन जितना अच्छा भूनोगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर, कलर और टेस्ट और इन्हांस होता है। सो गाइस, अब हम ये जितना मुझे इसको सुखाना था ये सूख चुका है। अब हम इसका लिड बंद करने जा रहे हैं और अब इसे 3 से 4 अप टू यू, आप खोल के इसे देखिएगा कि आपका मटन, देखो क्योंकि मटन ऑलवेज सेम नहीं रहता है तो हमें थोड़ा सा ना इसको चेक करना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा। अगर मटन नहीं गला तो 1-2 और सीटी लगा लीजिए, बट मेरे हिसाब से 3 या 4 सीटी मतलब 3 से 4 सीटी मतलब कुक हो जाएगा, क्योंकि कुक हो जाएगा क्योंकि लोग कोई ज्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं, तो हमारे घर में बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट पकाएंगे। वी लाइक सॉफ्ट टेंडर मटन, सॉरी। तो बस अब हम इसे सीटी लगाते हैं 3 से 4। ओके गाइस, अब हम मटन को सीटी लगाने जा रहे हैं तो हम इसे थोड़ी देर के लिए बाय बाय कहें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, देखिए कि आपने ये विसल को थोड़ा टाइम लगना है कि ये विसल अपना बंद हो जाए, अच्छा हमारा स्टीम बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, तब आप ये कुकर खोलेगा। ओके, अब हम इसे खोल लें। अरोमा आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो जैसे कि इसे मिक्स करोगे थोड़ा, ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। वाओ, लुक एट दैट गाइस, व्हाट अ लवली कलर, बिल्कुल रोगन, बिल्कुल परफेक्ट है एंड आई लव दिस रोगन। आप देख सकते हो, अगर मटन में ऐसा रोगन आता है तो आप समझना आपका मटन परफेक्टली टेंडर हो चुका है और बहुत फ्लेवरफुल है। अब हम थोड़ा सा इसमें भी डालें धनिया। ओके, मतलब अंदर मिक्स, हाँ थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए जो एक अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा बहुत धीरे हाथ से, मटन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है जब हम इतनी सीटियाँ लगा के इसे पकाते हैं। और तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आई रियली लाइक दिस रोगन। वाओ गाइस, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका कलर और टेक्सचर कैसा लगा आपको। वाओ, लुक एट दैट गाइस, वाओ आई लव दिस। हमारा मटन अब रेडी हो चुका है तो मैं आपको खा के बताऊंगा कि कैसा है। हमारा मटन रेडी हो चुका है तो आप देख सकते हो, तो मैं आपको खा के बताऊंगा। मेरे मुझे काफ़ी पानी आ रहा है, तो आप प्लीज़ लुक एट दैट, व्हाट अ लवली कलर। आप देख सकते हो मटन काफ़ी अच्छे से पक चुका है, तो मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगा आपको। अमेजिंग, काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आप देख सकते हो जैसे इसका रोगन है तेरे के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने अपनी सिस्टर के साथ मटन कोरमा बनाया, तो भाई आप सारे मेरी सिस्टर हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत सिंपल इजी कोरमा पसंद आया हो तो मेरे भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो गाइस, अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा मेरा मटन लगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो प्लीज़, और फोटो के साथ टैग जरूर करना। तो जैसे ही मेरे सिस्टर ने मुझे कह दिया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हम क्या बनाएंगे नया कुछ। तो इसके लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।